कहा जाता है कि सफलता किसी की मोहताज नहीं होती। अगर कड़ी मेहनत और लगन से कोई काम किया जाए तो निश्चित ही सफलता मिलती है। ऐसा ही कर दिखाया ब्रज के लाल जितेंद्र पांडे ने। जितेंद्र ने देश की सर्वोच्च सेवा में 288वीं रैंक प्राप्त की है। जितेंद्र बचपन से ही होनहार थे, मेहनत और लगन से पढ़ाई करना इनका उद्देश्य था। जितेंद्र ने MBBS किया और MBBS करने के बाद लोगों की सेवा करते रहे। जितेंद्र ने देश की सर्वोच्च सेवा का संकल्प लिया और उन्होंने देश की सर्वोच्च सेवा में 288वीं रैंक लाकर ब्रज का गौरव बढ़ाया है, जिसकी वजह से जितेंद्र के गांव में हर्ष का माहौल है। इसी के चलते अपने लाल के स्वागत में भाजपा नेता महादेव शर्मा ने गोवर्धन कस्बे के बाईपास तिराहे स्थित अपने कार्यालय पर स्वागत समारोह का भव्य आयोजन किया, जिसमें दर्जनों गांव के सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर जितेंद्र पांडे को फूल मालाओं से स्वागत कर स्मृति चिन्ह प्रदान किए। वहीं जितेंद्र पांडे ने कहा, ये मेरा चौथा प्रयास था जो मैं बुजुर्गों के आशीर्वाद से सफल हुआ हूँ, और कहा कि जिंदगी में मेहनत जरूर करनी चाहिए, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि जिंदगी में कभी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। मैं इस एग्ज़ाम में मुझे चौथा प्रयास था। मैं 3 बार से लगातार मेंस ही निकाल पा रहा था, लेकिन किसी का आशीर्वाद के लिए और हिम्मत ना हारने की क्षमता के लीजिए और परिवार का सपोर्ट जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने में मेरी मदद की। बिना परिवार के सपोर्ट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे मेंटल हो, कैसा भी सपोर्ट हो, दोनों सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो अपने बच्चों को हमेशा सपोर्ट देना, चाहे किसी भी कंडीशन में हो। एक नेगेटिव एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी, तो बच्चे को हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देनी चाहिए हमेशा, चाहे किसी भी कंडीशन में हो। उस मेरे अंदाज से ज़िंदगी में चाहे कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। ये बात मैं बस यही कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष मोहनलाल शर्मा, समस्त सम्मानित सरदारी और हमारे गौरव श्री जितेंद्र पांडे जी, सभी को मेरा बहुत बहुत वंदन और धन्यवाद। साथियों, जैसा जितेंद्र जी अभी बताया कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी कभी ऐसा होता है कि सफलता एक कदम दूर रहती है और हिम्मत हार के लोग बैठ जाते हैं, पर हिम्मत नहीं हारोगे सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जितेंद्र जी के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने हमारा गौरव बढ़ाया है, हमारे क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है, हमारे जिले का गौरव बढ़ाया है, और उनसे मेरा एक अनुरोध है कि अपने व्यस्त समय में से समय निकाल कर हमारे क्षेत्र का ध्यान रखें और हमारे बच्चों को, नौजवानों को प्रेरणा देते रहे, जिससे वो भी मोटिवेट होकर आगे बढ़ते रहे। और भी आइए, इसका श्रेय आपको ही जाएगा। मेरा तो आपसे यही अनुरोध है कि आप ईमानदारी के साथ आगे बढ़ें, अच्छे काम करें। हमारे चेयरमैन साहब, हमारे समस्त क्षेत्र के आए हुए सभी बुजुर्गों, नौजवान, सभी को मैं नौजवानों से करूंगा जो ऐसा ही नाम करे, और मैं इनसे पूरी आशा ये करूंगा कि हमारे जो जनपद क्षेत्र का जो नाम किया है इन्होंने, बहुत बेहद खुशी की बात है और इतना ही बड़ा नाम करे कि मैं ईश्वर से भी कामना करूंगा कभी हमारे मथुरा में आने की कृपा करे, गिरिराज जी से भी यही प्रार्थना करूंगा और बड़ा नाम करे। पांडे के नाम से जाना जाएगा जो IAS की परीक्षा पास करके और जो क्षेत्र का नाम उन्होंने किया है, उनके गांव कस्बे का नाम ना होकर गोवर्धन क्षेत्र का नाम माना जाएगा। जहां भी रहेंगे ये वहां गोवर्धन क्षेत्र के ही माने जाएंगे। मैं वादा भी चाहता हूँ, हो सकता है जे और बच्चों को भी तैयार कराने की कोशिश करें और जहाँ हर संभव मदद हो अपने लोगों का ध्यान रखें। मैं अपने हमारे नगर के चेयरमैन, हमारे बड़े भाई एम पंडित जी, हमारे भाजपा के मंडल अध्यक्ष मोहनलाल शर्मा जी, और हमारे जिन्होंने अपना, अपने परिवार का, पूरे समाज का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, हमारे ऐसे जितेंद्र पांडे जी और उनके साथ में आई सभी सम्मानित सरदारी, सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। भाइयों,
बहुत खुशी का वक्त है। मैं तो ये चाहता हूँ और भी बच्चे ऐसे ही निकले इसलिए अपने क्षेत्र का समाज का नाम रोशन हो, जो बहुत टाइम से लोग बैठे हुए हैं। तो मैं तो अपनी वाणी को बढ़ा देता हूँ। जिनके उपलक्ष में ये हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इनके लिए बहुत बहुत बधाई। इन्होंने जो मेहनत की है, इन्होंने जो तपस्या की है, मैं तो इनके इनके साथ इनके माता पिता गुरुजन और तथा बंधु सभी। नाउ The RCMC Group is coming up with an educational institution, elite new generation international school at Mathura. This institution will be known international facilities with high academic standards. The group is committed for its quality management and will regularly strive to touch hearts and shape life of the people.